Fire! The Indians never forgive their enemies. This is our war. तो दोस्तों, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और अनन्या पांडे स्टारर सी शंकरन बायोपिक को लेकर कई सारी अपडेट सामने आई है। जी हां, सी शंकरन नायर पर इस फिल्म को करण जौहर बना रहे हैं, जिसकी अनाउंसमेंट प्रोड्यूसर ने 2021 में की। मूवी में अक्षय कुमार सी शंकरन नायर का किरदार निभाते दिखेंगे। करण जौहर की सी शंकरन नायर की बायोपिक उनके परपोते रघु पलट और उनकी पत्नी पुष्पा पलट द्वारा लिखित किताब द केस दैट शुक द एम्पायर पर आधारित है। फिल्म में ब्रिटिश अदालत में चले इस केस की पूरी प्रतिक्रिया दिखाई जाएगी। इससे साफ होता है कि ये कोर्ट ड्रामा फिल्म होने वाली है, लेकिन ये बाकी कोर्ट ड्रामा फिल्मों की तुलना में काफी अलग होने वाली है। ये इसीलिए क्योंकि ये एक सच्ची घटना पर आधारित एक ब्रिटिश कालीन स्टोरी होने वाली है। वहीं अब फिल्म को लेकर अपडेट आई है कि शंकरा से हमें जल्दी एक फर्स्ट लुक पोस्टर देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, दरअसल 9 सितम्बर को खिलाड़ी अक्षय कुमार का बर्थडे है, तो फिल्म मेकर्स इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए फिल्म से अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसी इनसाइड अपडेट्स है। बात करें दोस्तों इस बायोपिक की, तो 1857 में तत्कालीन मालाबार क्षेत्र के मनकारा गांव में जन्मे सी शंकरन नायर ने मद्रास लॉ कॉलेज से कानूनी डिग्री हासिल की और मद्रास हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। 1907 में वह मद्रास के हाईकोर्ट में न्यायाधीश बन गए। नायर अकेले जलियांवाला बाग नरसंहार केस को लेकर ब्रिटिश अदालत में पूरी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़े थे। उन्होंने अपनी दलीलों से ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। भले ही नायर वह कानूनी केस के तौर पर हार गए थे, लेकिन नरसंहार का सच उजागर कर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव कर रख दी थी। यह कारण है कि उसके बाद जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार कभी नहीं हुआ और नायर भी यही चाहते थे। तो कुछ ऐसी दमदार वकील की भूमिका में हमें अक्षय कुमार दिखाई देने वाले हैं। वैसे आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी अक्षय कुमार के डायहार्ड फैन है तो ऐसी ही अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।